जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा यूआरएल पैटर्न में प्रॉब्लम आ रहा है। ये दिख रहा है आपको यूआरएल पैटर्न में? हाँ, यहाँ पे हमें जिंजा टैग यूज़ करना था और हमने जल्दी जल्दी में यहाँ पे प्रॉपर टैग का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे हमारा प्रॉपर टैग यूज़ नहीं हुआ, ये गलत हो गया है, जिसके वजह से यहाँ पे ये हमें क्या दे रहा है, 404 एरर दे रहा है। कौन सी एरर दे रहा है? 404 एरर दे रहा है। तो इस चीज़ का मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। जल्दी जल्दी में हम लोग ने यहाँ पे जिंजा टैग प्रॉपरली नहीं फिट किया है, तो यहाँ पे हम लोग जिंजा टैग लगा रहे हैं। तो जिंजा टैग क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस। एंड यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं मॉड्यूल, मतलब परसेंटेज, और इधर भी हम लोग लगा रहे हैं परसेंटेज। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस नहीं आते, ठीक है? तो अब समझिए कि आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं। तो ये हमारा बेसिकली, हमने एक्शन क्यों रखा है, मेथड क्यों रखा है, ये नेम T1, T2, T3, ये क्या है, हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस चीज़ को समझते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनपुट टाइप सबमिट, ये आपको दिख रहा है, ये है मेरी बटन। ये क्या है? मेरी बटन है, ठीक है? जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये आपके एक्शन पर लेकर जाएगा, ठीक है? और ये है उसका यूआरएल। ये क्या है? उसका यूआरएल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग यूआरएल को पास जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमने मेथड क्या यूज कर दिया? पोस्ट। तो बेटा यहाँ पे जो अभी हम लोग आगे यूज करने वाले, कौन कौन सी चीजें यूज करने वाले, एक तो एक्शन यूज़ करेंगे, एक मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है? ये हम लोग एज अ पैरामीटर इसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब मैं एक एक करके इसको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए मैं इधर इस चीज़ को पहले मिनिमाइज कर देता हूँ और इन तीनों फाइल को एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऐप में। हमारा ऐप कौन सा था? हमारा ऐप था प्लेयर नाम का। इसकी हम लोग जा रहे हैं urls.py पे, ठीक है? हम लोग कहाँ पे आ गए? हम लोग बात कर रहे हैं प्लेयर के urls.py पे। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स वाली फाइल को सेपरेट कर लिया है और ये मेरी है urls.py वाली फाइल। ये मेरी इंडेक्स वाली फाइल है और ये कौन सी मेरी फाइल है? urls.py वाली फाइल। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपसे कि जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक्शन के पास लेके जाएगा। यहाँ पे लेके जाएगा एक्शन के पास, और एक्शन में यहाँ पे देखो आपने लिखा है सिंगल कोट के अंदर JSTC, ठीक है? जो कि आपका कहाँ पे? ये नेम के पास, ठीक है? किसके अंदर? urls.py के अंदर। किसके urls.py के अंदर? प्लेयर के। ये प्लेयर है, प्लेयर के अंदर जो urls.py है इसके अंदर मैं नेम पे रखा है। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो एक्शन में ये JSTC यहाँ पे मेरे पास भेज देगा, ठीक है? तो मैं, आपने कहा सर आपका इंडेक्स डॉट HTML जो है, ये आपके जो ऐप का urls.py वाली फाइल है यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से डेटा कहाँ पे जाएगा? views.py के पास जाएगा। कहाँ पे जाएगा? views.py के पास, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, views.py को भी ओपन कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसको ओपन कर ले रहा हूँ? ये प्लेयर है, इसमें views.py को भी ओपन कर ले रहे हम लोग, ठीक है? तो इधर आप देखोगे मेरा views.py भी ओपन हो गया है। तो अब मेरे पास टोटल कितने हो गए? अब मेरे पास टोटल तीन फाइल हो गई है।
एक मेरे पास होगी इंडेक्स वाली फाइल, एक होगी मेरे पास व्यू वाली फाइल, और एक होगी मेरे पास यूआरएल वाली फाइल। यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, एक्शन के पास जाएगा, और ये एक्शन ये जो जीएसटीसी है इसके पास भेजेगा। मतलब ये होगी आपकी एचटीएमएल फाइल, मतलब आपका टेम्पलेट, ये क्या हो गया टेम्पलेट। इससे डेटा कहाँ पे जा रहा है आपका, us.py वाली फाइल पर, ठीक है। और us.py किसको बुला रही है आपकी, गेट मेथड। ये देखो आपका views.py है, इसलिए मैंने यहाँ पे views लिखा है, और उसकी गेट डेटा वाली मेथड को कॉल कर रहा है। तो ये हो गया मेरा views.py, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का डेटा यूआरएस पे गया, और यूआरएस का डेटा आपका व्यू डॉट पाई पे गया। इज इट क्लियर? हाँ इतना क्लियर है बेटा आप लोगों को सभी को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि डेटा तो जा रहा, पर डेटा कैसे जा रहा है, तो अब हम लोग उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो डेटा जा रहा है वो जा रहा है पैरामीटर के फॉर्म में। डेटा कैसे जा रहा है, डेटा जा रहा है पैरामीटर के फॉर्म में। यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे T1, T2, T3 ये तीनों के लिए पैरा मीटर लिए। क्या लिए हैं, T1, T2, T3 के लिए पैरामीटर लिया। और आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे जो डेटा जाएगा ये पोस्ट के थ्रू जाएगा, क्योंकि आपने एक तो पोस्ट लगाया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है, CSRF टोकन एड ऑन किया, ठीक है। और पोस्ट के थ्रू डेटा यहाँ से इधर गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज किया है। इधर समझिएगा कि हमारा मेन चीज क्या है, इसको ऐसे समझिए कि मैं कह रहा हूँ ये है मेरा क्लाइंट और ये है मेरा सर्वर। तो क्लाइंट से सर्वर के पास क्या आती है, रिक्वेस्ट। क्लाइंट से सर्वर के पास क्या आती है, रिक्वेस्ट। ये मेरा क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है। तो क्लाइंट से सर्वर के पास क्या आती है, रिक्वेस्ट आती है, और वहीं पे सर्वर से क्लाइंट के पास आता है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डेटा किसके थ्रू जा रहा है, क्लाइंट से कहाँ जा रहा है, सर्वर के पास जा रहा है। किसके हेल्प से आ रहा है, रिक्वेस्ट के हेल्प से आ रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यूज़ किया है। क्या यूज़ किया, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यूज़ किया है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो T1 वाला पैरामीटर का डेटा था वो इस T1 के पास आया, जिस T2 वाले का था T2 के पास आया, ये यहाँ पे जो T3 था वो T3 के पास आया, ठीक है। मतलब आप कह रहे हो कि सर जो नेम वाली टेक्स्ट फील्ड है उसका आपने नाम दिया T1, जो सरनेम वाली टेक्स्ट फील्ड है उसका आपने वेरिएबल नेम दिया T2, और जो कॉन्टेक्ट वाली टेक्स्ट फील्ड है उसका आपने नाम दे दिया T3। और जैसे ही आप क्लिक मी वाली बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक मी वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका इस एक्शन से कहाँ, यहाँ पे भिजवा देगा। और इधर N1 जो वेरिएबल है, N1 वेरिएबल जो आपने, जैसे अज्यूम करो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया रचित, तो ये N1 वाला वेरिएबल क्या होल्ड कर लेगा, रचित होल्ड कर लेगा। सरनेम मैंने डाला जयेश, ठीक है। तो यहाँ पे S1 वाला जो वेरिएबल है वो होल्ड कर लेगा क्या, जयेश। और जो आपका C1 वाला वेरिएबल है वो आपको होल्ड करेगा जो आपने यहाँ पे नंबर दिया, 9589016060, तो वो यहाँ पे आपका नंबर स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे N1, S1 और C1 पे डेटा आ चुका है, जैसे आपने इस बटन पे क्लिक किया।
ठीक है। अब आपने ये प्रिंट करवाया तो प्रिंट कहाँ पे प्रिंट करेगा? टर्मिनल पर। तो ये टर्मिनल पे डेटा आ जाएगा इससे, प्रिंट नेम इज रचित, सरनेम इज जय, कॉन्टेक्ट इज 9589016060। ठीक है। बट यहाँ पर वेब पेज में डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने फिलहाल यूज़ किया है HTTP रिस्पॉन्स। तो HTTP रिस्पॉन्स कहाँ पे दिखाएगा? वेब पेज में डेटा दिखाएगा। ठीक है। HTTP रिस्पॉन्स कहाँ पे डेटा दिखाएगा? वेब पेज में दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम इज रचित, सरनेम इज जय एंड कॉन्टेक्ट इज मोबाइल नंबर। पर क्योंकि यहाँ पे BR टैग लगा है, इसलिए यहाँ पे कहाँ पे आएगा? न्यू लाइन में आएगा। तो चलो ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली रन करा के दिखाता हूँ। आपको याद होगा कि हमारा एरर आया था URL वाले का, इसलिए मैं पुराना वाला टर्मिनल बंद कर रहा हूँ और मैं एक बार फिर से रन कर रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गलती से अगर प्रीवियस मेमोरी उसके पास रहे तो वो मुझे कंफ्यूज कर दे कि भैया नई मेमोरी पे चल रहा है या पुरानी मेमोरी पे चल रहा है। इसलिए मैं एकदम नई मेमोरी क्रिएट करके इसको रन कर रहा हूँ, मतलब मैं वापस एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ अपने सर्वर को। तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा? प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट पे जाने के लिए मैंने लिखा CD और मेरे प्रोजेक्ट का नेम। तो मैं देखिए यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट स्कॉकर के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर रन कराने के लिए, सर्वर रन कराने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो होती है पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा देखिए रन हो चुका है। ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मेरी वेबसाइट जो मैंने वेब पेज बनाया था वो आ चुका है। मैंने यहाँ पे नेम में लिखा है रचित, यहाँ पे सरनेम में लिखा है जयेश एंड मैंने कॉन्टेक्ट नंबर पर लिखा 9589016060। मैं क्लिक बी पे क्लिक कर रहा हूँ और देखिए बूम, यहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है। ठीक है। तो ये डेटा किसके थ्रू आ रहा है? पोस्ट के थ्रू आ रहा है। तो याद रखिए, जब भी आप पोस्ट लिख रहे हो, जब भी आप एक्शन में पोस्ट लगा रहे हो, तो आपको क्या लगाना है? CSRF टोकन लगाना है। तो यहाँ पे देखो ये मेरी इंडेक्स डॉट HTML है, इसमें जब भी आप एक्शन में मेथड में पोस्ट लिखेंगे यहाँ पे CSRF टोकन जरूर लगाना। अगर ये एरर नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी, वो आपका डेटा लेके नहीं जाएगा। कई लोग बोलते हैं सर क्या ऑफर पड़ता है, गेट लगा लो ना। तो गेट अगर लगाओगे तो URL से डेटा जाएगा, पोस्ट लगाओगे तो बॉडी से डेटा जाएगा। ठीक है। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।